तो अगर आप देखोगे ना, यहाँ पर एक पेच लगा होता है, ये पेच उतर के गिर गया, कहीं ऑफ रोड में गिर गया होगा और ये पूरी ऐसी होगी विंडशील्ड। कहाँ गए सारे? सत्या, गुड मॉर्निंग एवरीवन, गुड मॉर्निंग फ्रॉम ले। सुबह के 10 बज रहे हैं, अभी मेरी नींद खुली है। सुबह 7 बजे का अलार्म लगाया था कि उठ के वीडियो एडिट करूंगा, अपना काम वाम निपटा लूंगा। रात को इंटरनेट बिल्कुल नहीं आ रहा था, नहीं तो रात को एडिट करके सो जाता। एक वीडियो मैंने अपलोड भी लगाई थी, वो पड़ा हुआ लैपटॉप रात से लगी हुई है, अभी तक अपलोड नहीं हुई है। हो सकता है अभी वाईफाई में कोई गड़बड़ चल रही है, ठीक हो जाएगा। इतनी बढ़िया नींद आई ना भाई, क्या बताऊँ। ये हो रहा है मेरे को कि 3 घंटे में फालतू सो गया, उठता तो मेरे काम नहीं पड़ जाते, लेकिन कोई दिक्कत नहीं, नींद भी पूरी होना बहुत ज़रूरी है। अभी ये लोग कहाँ गए अपने को नहीं पता, जाके देखते हैं एक बारी। हो सकता सलीम के रूम में होंगे, सलीम आ रहे, एक रूम में रुके हुए हैं, मैं और सत्य एक रूम में रुके हुए हैं। फिर से गुड मॉर्निंग। कोई नहीं, घर पे जाओ। घर पे कोई नहीं, घर पे जाओ। क्या कर रहा है सलीम? का है सलीम अंदर, आज उसका पैम्पर डे चल रहा है। पैम्पर डे चल रहा है छोटो को, हेलो। भाई तो सलीम अभी नहा रहा है, मेरी नानी की तैयारी है। तू नहा लिया क्या? मैं तो नहाया हुआ हूँ, पिछले साल नहाया था। अभी नहा के दोबारा मिलता हूँ। नहीं नहा के मिलता हूँ, उसको भी नहा लेते। नहाने जा रहे हैं? तू मेरे से छुप क्यों रहा है? क्योंकि मैं नहाया हुआ हूँ। एक्चुअली चक्कर क्या हुआ ना, सुबह नींद नहीं खुली, 10 बजे उठा, 10 बजे तक का नीचे बुफे होता है, ब्रेकफास्ट टाइम होता है, वो निकल गया। अभी तिते भूख लग रही थी, मैंने ऑर्डर कर दिया, अब खाएंगे और उसके बाद एडिटिंग पे बैठ जाएंगे। और इसको देखो आलसी को, सुबह से लेटा हुआ, सुबह से करेंगे एडिट। इसे कोई मतलब नहीं है दीन दुनिया से, यहाँ लैपटॉप ऑन करके वहाँ लेटा हुआ सुबह से। भाई खाना है तो आ जा, नहीं तो सारा खा लूँगा। अबे ये क्या सीन है, मैंने उनको बोला था ब्रेड जैम वाले टोस्ट चाहिए, जैम साथ में दे गए भाई, जैम लगा के देके जाते ना। इस पे क्या करेगा? चेयर मंगाई थी ना भाई। क्यों? अरे सलीम आ जाता, 2 चेयर है, 3 चेयर तो होनी चाहिए ना बैठने के लिए। ओ भैया इधर आओ, आप आ ही गए हो तो मेरी बात सुनते जाओ। मैंने बोला था ब्रेड जैम वाले टोस्ट चाहिए। अच्छा, तो ये जैम आपने साथ में दे दी है, तो जैम तो लगा के देनी थी ना। अच्छा ठीक है, बोलता नहीं नहीं बोलता क्या, हम लगा लेंगे। नहीं अब तो हम लगा लेंगे। शुक्रिया, शुक्रिया। हम मेहनत नहीं करना चाहते थे तभी आपको बोला था, चलो हम कर लेंगे, कभी कभार हम कर लेते हैं मेहनत। शुक्रिया जुले। शुक्रिया भैया जुले। तू क्या खाएगा? हाँ यही और बड़ा ऑप्शन है, भाई मक्खन भी तो है। मक्खन में बटर, बटर 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 खाएगा, फिर लगा लियो अपने आप। मैं जैम खा लूंगा। शर्म हमारा भाई दिया है, थैंक यू। आधी वीडियो हम एडिट कर चुके हैं, आधी वीडियो भी और रहती है। होता क्या है ना, जो हमारा रेस्ट डे होता है उस दिन लैपटॉप को हाथ लगाने का मन नहीं करता, मतलब कुछ नहीं करता मन, कि लेटे रहो, बैठे रहो, खाते रहो, बातें करते रहो दोस्तों के साथ, जाएंगे मार्केट घूम के आ जाएंगे, अपने लिए एडिट नहीं करेंगे, लेकिन आप लोगों के लिए तो करना ही पड़ेगा। आप में से सबको पता ही होगा कि हाँ यार मेरे ना ट्रैवल प्लान बहुत ज़्यादा रहते हैं, महीने में एक आधी जगह तो मैं ट्रैवल करता ही करता हूँ, भले ही छोटा ट्रैवल करूँ, भले ही बड़ा ट्रैवल करूँ, भले ही 5 दिन के लिए जाऊँ, भले ही 15 दिन के लिए जाऊँ। और आप में से काफ़ी बंदे होंगे मेरी तरह ही जो ट्रैवल करते रहते होंगे, तो अपनी सेहत का ना हमें खुद ही ध्यान रखना पड़ता है। पहले मैं वाव लाइफ साइंस का ओमेगा 3 यूज़ करता था, जो कि फिश ऑयल वाला आता था, काफ़ी बंदे वेजिटेरियन होते हैं उसको यूज़ नहीं कर पाते, उनके लिए एल्गाई रिच ओमेगा 3 आता है, जो कि ओमेगा 3 की रिक्वायरमेंट को ही पूरी करता है। इसकी बेस्ट चीज़ पता है क्या, इसमें फिश ऑयल के बर्ब्स नहीं आते, ना ही इसमें आफ्टर टेस्ट आता है। इसमें एल्गाई का एक्सट्रैक्ट है जो ओमेगा 3 का प्राइमरी सोर्स है, DHA एंड EPA का। ये आपकी बोन्स को स्ट्रॉन्ग रखता है, ये आपकी आइज को भी ड्राई नहीं होने देता, उनको लुब्रिकेटेड रखता है, साथ में आपके स्किन स्ट्रक्चर को इम्प्रूव करके उसको फर्म और सपल बनाता है, ये आपके कोलेस्ट्रॉल लेवल को भी मेंटेन करता है, साथ में आपकी मसल रिकवरी को भी सपोर्ट करता है। आप इसका एक कैप्सूल डेली कंज्यूम कर सकते हो, ये आपके कैल्शियम रिक्वायरमेंट को पूरा करके आपकी बोन्स को स्ट्रॉन्ग और हेल्दियर बनाता है। इसको आप इजीली कंज्यूम कर सकते हो, ये 100% वेजिटेरियन है, डेयरी फ्री है, ग्लूटेन फ्री है। JAWT20 हमारा कोड है, जिसके थ्रू आपको 20% ऑफ मिलेगा इनकी वेबसाइट पे, buywow.in पे, डिस्क्रिप्शन में लिंक है, जाके बाय कर सकते हो। अभी हमारा आगे का प्लान क्या ना, हमारी बाइक में हो गया है थोड़ा सा नुकसान, मतलब थोड़ा भी कह सकते हैं, ज़्यादा भी कह सकते हैं, थोड़ा अभी हुआ है, एक पेच लगवाना, अगर वो पेच लग जाता है, मेरे को लग नहीं रहा यहाँ पर वो इजीली मिलेगा, इजीली क्या मेरे को लग ही नहीं रहा कि वो मिलेगा, अगर मिल जाता है फिर बड़ा नुकसान होने से बच जाएगा, अगर नहीं मिलता तो हो सकता है 70-80 हज़ार रुपये का नुकसान हो जाएगा। अभी नीचे बाइक के पास जाता हूँ, आपको दिखाता हूँ हुआ क्या है। एक्चुअली में पैनियर में ना सामान रखने का यही घाटा होता है, सारी चीज़ें मुचड़ जाती है, जितने टी शर्ट कपड़े आप लेके आए, कुछ भी लेके आए, ये टी शर्ट देख रहे हो कैसे मुचड़ गई है, प्रेस करने का टाइम नहीं है, बिकॉज पेच लगवाने जाना है। एक बार आपको दिखाऊं दिक्कत क्या आई है। तो अगर आप देखोगे ना, यहाँ पर एक पेच लगा होता है, ये पेच उतर के गिर गया, कहीं ऑफ रोड में गिर गया होगा और ये पूरी ऐसी होगी विंडशील्ड।
उस साइड से पेच लगा हुआ, इस साइड से लगा हुआ। मेरे को ये डर है कि वापसी जाते हो अगर वो वाला पेच भी गिर गया तो काम तमाम हो जाएगा। कितने की होगी इमरान भाई? 25,000 की विंडशील्ड है। मेरे को लगा था 60-70,000 की, फिर तो ठीक है 25,000 की। ये छोटी वाली जो लगवाई थी यही मेरे ख्याल से 15-16,000 की। वो आफ्टर मार्केट है ना? अच्छा नहीं, ये कंपनी वाली है। कंपनी वाली है। ये कंपनी से मैंने 15, ये महंगी हुई पक्का। हाँ तो मतलब लगा लो अगर ये गिर जाती है तो 25,000 का नुकसान है। मेरा लास्ट ईयर जेंसकार में ऐसा हुआ था, मेरी विंडस्क्रीन टूट गई थी। बड़ी मुश्किल से पटुम से लेह तक आया, फिर लेह में आके मैंने अहमदाबाद से स्पेयर मंगाया और यही इंस्टॉल की। अहमदाबाद गया तो गिरी कैसे थी? यही पेज की वजह से। मेरे एक साथ वाले ने उसका टॉप बॉक्स गिरा दिया, टूट गई ऐसे थी उसके पास। उसने टॉप बॉक्स खोला और लॉक नहीं किया, गाड़ी मेन स्टैंड पर लगाया टॉप बॉक्स मेरी विंड स्क्रीन पर और वो टूट गया। वो टूट गया। मेन ये नहीं है 25-30,000 तो लग बात है, मेन ये है कि भाई जो विंड ब्लास्ट लगेगा ना मुंह पे वो भी बर्फ वाला, बिल्कुल और वो भी बर्फ वाला। कैसे इसको फिर करेंगे? कैसे? कोई एक जगह से ऐसा एक पेच खोल लेंगे जो बहुत ज्यादा नेसेसरी नहीं होगा, उसको अपन यहाँ लगा देंगे। ये आइडिया भी ठीक है, बिकॉज मेरे को लग नहीं रहा ऐसा पेच यहाँ से मिलेगा। यहाँ नहीं मिलेगा। तो ठीक है, ऊपर है रूम में वो लाके शाम को और इसको रेडी कर। चलो ये भी ठीक है। इमरान भाई कह रहे हैं पैदल ही चलते हैं मार्केट तक, थोड़ा मार्केट घूम लेते हैं। और क्या पिला रहे हो आज हमें? आइस लेमन टी। कोई मशहूर जगह की? मशहूर नहीं, मशूर, आप कह रहे हो कि बहुत ऐसी है, तूने पी नहीं होगी ऐसी कभी? आज तक नहीं पी होगी। अपने इमरान भाई का क्या सीन है ना, ये डेली पैदल चलते ही चलते हैं यहाँ से शांति स्तूपा करीबन 2 किलोमीटर है, कितना? 2.5। दो जाना दो आना, ये पैदल पैदल वहाँ पहुँच जाते और आ जाते हैं। और यहाँ से मैं मार्केट जा रहा हूँ, पैदल चलने की आदत नहीं है ना। आप घर पे भी डेली चलते पैदल? डेली। कितना किलोमीटर? 8-10 किलोमीटर। 8-10 किलोमीटर। इस टाइम देखो मार्केट कितना खाली होता है, और शाम को 6 बजे के बाद जो पैर रखने की जगह नहीं होती, अभी 4:30 हो रहे हैं। तो बंद है छुट्टी? लो भाई किस्मत ही खराब है। किस्मत खराब है, चलो कहीं और जाके कुछ खाते हैं। बैठने की लोकेशन देख रहे हो कितनी सही है। जब से मैं ले आया हूँ ना, मतलब फर्स्ट टाइम मैंने यहाँ के इतने सारे कैफे, इतने सारे खाने पीने की जगह एक्सप्लोर करी है ना। एक जगह बंद होती है, दूसरी जगह जाके बैठते हैं, कुछ ना कुछ खाते हैं। देखो जब तक आप जाओगे नहीं, खाओगे नहीं, आपको पता रहेगा बढ़िया है या नहीं है। क्यों मेरा भाई? बिल्कुल सही। देखो जो बढ़िया जगह होती है ना, हम उसकी खुद ही तारीफ कर देते हैं। सब कुछ बढ़िया था यहाँ पर, जिंजर लेमन टी पी, किटकैट शेक पिया, पराठा खाया, पकोड़े खाए, मतलब किसी चीज़ में कोई कमी नहीं थी। बढ़िया आसानी था, बढ़िया था। और रेट भी सही है, मतलब कोई ऐसा नहीं कि बड़े हाई फाई रेट है, बहुत बढ़िया है। अभी शाम का टाइम हो गया ना, देखो फिर से भीड़ लगने चालू हो गई है। अभी 7 बजे ऐसा हो जाएगा कि पैर रखने की जगह नहीं होगी यहाँ पर। हेलो सिम्बा, इसका नाम है सिम्बा और ये हमारा दोस्त नहीं था लेकिन बन गया है ना, है सिम्बा? सही है। He is coming from खारदुंगला। क्या बात है, देख रहे हो ये भी खारदुंगला हो क्या है। और ये हमारे फैमिली मेंबर का दिल्ली से ही। दिल्ली से सही है सिम्बा, प्यारा है। हाँ भाई, हाँ भाई, चलेगा साथ? इसको ले चले साथ। ये है देखो एक एलिंकी। तो हमारी बाइक में कुछ टूल्स थे जो कि हमें पता ही नहीं थे। मैं सीट के नीचे ढूंढ रहा हूँ कहाँ है, कहाँ है, यहाँ पर खाली एक्सकैन था, ये निकले यहाँ पर। ये जो है, और ये जो है ये आपका हेड का कैप खोलने के लिए है। ये जो स्क्रू ड्राइवर का हेड है ना, हाँ, ये इससे ये कैप खुलता है। क्या बात कर रहे हैं? अच्छा, ये थी कंपनी, ये आपका इसमें लगा दो स्क्रू ड्राइवर। इधर एलिंकी, इधर फिलिप्स 4 पेल। बहुत सही है, इनसे बहुत कुछ सीखने को मिलता है अपने को। तो अभी हम क्या कर रहे हैं ना, जो ये एग्जॉस्ट का कवर है इसका नीचे वाला पेज खोल के विंडशील्ड में लगा रहे हैं, क्योंकि ये इतना इम्पोर्टेंट नहीं है, वो ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। वाह वाह वाह, बाकी सबको भी चेक कर लेते हैं, रुक जाओ। हाँ ये भी ढीला है। सीखने के लिए तो यहाँ पे खड़ा हूँ। पूनम कह रही कुछ सीख रहे हो कि ऐसे ही वीडियो बना रहे हो? नहीं नहीं, मैं सीख रहा हूँ यार। मेन चीज़ जो एग्जॉस्ट के बाहर का कवर है ना, इसके ऊपर 4 पेज है, तो एक निकाले तो कोई दिक्कत नहीं होगी। लेकिन ये सिर्फ 2 पेज पे टिकी हुई थी, एक यहाँ एक वहाँ, वहाँ वाला उड़ गया था, ऐसे ऐसे कर रहा था सिर्फ यहाँ वाले पेज। दूसरा भी ढीला था, दूसरा भी ढीला था, फटाफट हो गया। वाह वीरे, कितने छोटे को? हेलो छोटे को, हेलो, कहाँ जा रहे हो? सनसेट का मजा लेने। आए हो चुका है, जा रहे सन तो गया, अब खाली सेट का मजा लेना जहाँ जा रहे हो। भाई ने ठीक कर दिया। तो क्या बात कर रहा है? कमेंट सेक्शन में किसी से भी पूछ ले इमरान भाई,
कौन है इमरान भाई, तेरे को जवाब मिल जाएगा। ये तो छोटे मोटे काम, मतलब क्या ही कर, ये क्या तू अगर ये टंगी भी फट चुकी होती ना तभी इमरान भाई छू लेते ठीक हो जाता। क्या बात कर रहा है, टायर पंचर हो गया ना बस ऐसे सिर्फ ऐसे। तू जा भाई, तू संसद देख, बहुत ज्यादा हो गया। ये क्या है, मसाजर है क्या? मसाजर है जी। ओके, यहाँ पे भी कर सकते हैं, बैक पे भी कर सकते हैं। ओके ओके ओके, मुझे नहीं पता क्या है, मेरे को तो ये वो लग रहा था जो शहनशाह पिक्चर देखी थी आपने। ये सलीम के रूम में पड़ा हुआ था, मैं इसको हाथ में डाल के लिया, शहनशाह का शहनशाह अंधेरी रातों में। तो भाई अभी बिरयानी एंजॉय कर रहे हैं, आ रहा हूं एक मिनट, ये वापसी दे आऊं। मुझे ये बता दे बस, ये है क्या चीज? देख, नहीं नहीं पहले मेरी पूरी तो सुन ले। एक छोटी सी बात सुन ले, इमरान भाई ने बताया इसको कमर के नीचे रख के वो ऐसे ऐसे रिगड़ रहे थे, कह रहे ये कमर। चुप कर यार, तेरे को पता तो है नहीं, ये वो चीज है ना, तू बता। हाँ तू चुप रहेगा अभी, तू बता। इसे हम कहते हैं मसाजर, पुदीना। तेरे को पता नहीं इसके पीछे से सजा? नहीं मुझे नहीं पता भाई, पहले बता दे भाई। डेमो दिखाओ, डेमो डेमो, तेरे को पता ही नहीं था ये चीज? ना भाई, हमारे व्लॉग नहीं देखता ना। रेडी? हाँ। पुदीना। ये तो भाई मैंने एक वीडियो देखी थी जिसमें वो ऐसा चिल्ला रहा था, पुदीना बेच रहा था। यही तो है असली पुदीना। अच्छा इसका मतलब है जो इमरान भाई ने बताया बिल्कुल सही चीज है ये, एक्चुअली सच बताऊ दिल से बताऊ ये बैक रूलर है, ये जिम जो लोग करते हैं ना जिनका मसल अटक जाता है ना इससे लटक जाता है। ओके, ठीक है, लूज हो जाता है, ठीक हो जाता है। लेकिन हमने इसका नाम पुदीना रखा है क्योंकि इसको लगाने के बाद पुदीना ही निकलता है। अब जट करके दिखाएगा पुदीना आपको, करके दिखा, हमने हमने कैमरा पकड़ लिया इसका। पुदीना करो भाई, अपना पुदीना निकाल बाहर। क्या लगता है कर पाएगा ये? अरे कर लेगा, जट है पुदीना। थोड़ा वैसा तो नहीं हो रहा? नहीं नहीं, और सही लग रहा ना? हाँ। पुदीना। अरे उठा लो भाई, उठा लो, अरे उठा लो, उठा लो भाई, ये लास्ट वाला बढ़िया था भाई, सीधा दिख गया। ये कुछ अलग हो रहा है अब। इमरान भाई फोन लेके आया, इमरान भाई फोन से वीडियो बना रहे हमारे। पुदीना मेरा घर पे कॉल चालू है। अच्छा, ये घर वालों को दिखा रहे हैं एक्सपोज भाई। ये लास्ट वाला जो आया था ना पुदीना, ये जो निकल गया ये सुर लगा था, और भाई जब तक सुर नहीं लगेगा तो पीठ सही नहीं होगी, मतलब बीच में मजा भी आया। अब मेरे को समझ आया तो इसको लेके कैरी क्यों करता है, नहीं तो मैं पूछ रहा भाई आधे तेरे पैनियर में तो यही जगह गिर रहा है। देख अगर मतलब अगर सच बताऊं, ठीक है, तो जब हम राइड करते हैं ना बैक में काफी इशू होता है, ठीक है, तो ये ना बैक को सीधा कर देता है, और जब मैं एडिटिंग में बैठता हूँ ना तो मेरे अपर बैक में बहुत पेन होता है। ओके, उसके लिए। बाकी हम लोग तो हर चीज में ह्यूमर ढूंढ लेते हैं, मेन चीज। हम लोग ट्रेजेडी में भी कॉमेडी ढूंढ लेते हैं, तो ये क्या चीज है? सही बात है, हमारी हर चीज में कॉमेडी होती है, मेन चीज। हमारी बिरयानी आ चुकी है। चिकन है? हाँ। मटन? चिकन। चिकन। इमरान भाई, हाँ जी, क्या खा रहे हो? खीर खा रहे हैं जी, लद्दाखी खीर। लद्दाखी खीर? लद्दाखी खीर में क्या होता है ना, मतलब ये है खीर, हमने बिरयानी खा ली, अब खीर मंगाई है। जो दिल्ली की खीर होती है, दिल्ली की क्या मतलब जो हम लोग की खीर होती है पंजाबी की, उसमें क्या होता है दूध ज़्यादा होता है, मतलब दूध बहता हुआ दिख रहा है। इनका थोड़ा सुखा के बनाया होता है, लेकिन टेस्ट एक नंबर। एक कटोरी पूरी भर के खा चुका हूँ, ये रही दूसरी, ये खाता हूँ, उसके बाद आपको दोबारा मिलता हूँ। तो भाई सीन ऐसा है, लेट गया था, सोने की तैयारी थी, एकदम से ध्यान आया वीडियो का तो एंड ही नहीं करा, बस आपसे दो तीन बातें करनी थी छोटी छोटी, शॉर्ट में निपटा देंगे। बिल्कुल। कल मैं यहाँ से निकल रहा हूँ श्रीनगर के लिए, हमारे को छोड़कर जा रहे हैं। हाँ, इनको छोड़कर जा रहा हूँ, यहाँ से अलग होने का टाइम आ चुका है, और इमरान भाई भी शायद फ्लाइट लेके जा रहे हैं, उनको कुछ काम है, मेरे को भी कुछ काम है, इनका भी टूर 3-4 दिन का और है, वो आपको इनकी वीडियोस में पता लग जाएगा। बस फिलहाल के लिए इतना ही बताना चाहता हूँ, कल सुबह सुबह मिलेंगे, 5 बजे निकलना है, रात के 11:30 हो चुके हैं, सोचा था 11 बजे सो जाऊंगा, लेट भी गया था, फिर मैंने सोचा यार वीडियो एंड कर ही देता हूँ। बाकी होप करते हैं आपको ये वाली वीडियो अच्छी लगी होगी, यहाँ तक देख ले तो लाइक करें, बिल्कुल मत जाना, जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं करा सब्सक्राइब करना, कमेंट करके बताना वीडियो में क्या अच्छा लगा क्या बुरा लगा, मिलते हैं ऐसे किसी बड़े से वीडियो में। टिल देन बाय, टेक केयर, नाइस, बाय बाय बाय। तू सुबह 6 बजे उठेगा मेरे को सी ऑफ करने के लिए? तेरे को छोड़े बिना जा सकता, रोज तेरे खराटे सुने यार। कह रहे रोज खराटे सुने, अब 3-4 दिन बिना खराटे के सोएगा। चलो भाई ठीक है, मैं हाथ पर हुआ है, बाय 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 बाय। वाली जीत भले आ जाए मौत, अब हुआ कामयाब, ना बचा किसी का खौफ, अब शोहरत पाली मैंने, दौलत पाली, पापा की छाती चौड़ी के सामने टिकेगा कौन।